ये अब स्मॉल ट्रेडर्स जो है इनसे कल रिवेंज लेने जा रहा है और उसके बाद ये बैरियर या गेट ये सब खत्म कर दिए जाएंगे। अगर है दांधली तो यार मुझे बताओ कहाँ पे है। वैसे दांधली दांधली का निजाम लगा देना, नारे लगाना, उसको मैं नहीं समझता। ये लोग दांधली का मुंबा है, इन्होंने कोशिश करनी है, हमने इनको पकड़ना है, फिर दमादम मस्त करना है। इस प्रीमिसेस के अंदर कन्वेसिंग मना है और वो कन्वेसिंग कर रहे हैं, ये भी दांधली है। हम अपने जगह पे बैठे हुए हैं, अपने स्टॉल में बैठे हुए हैं, वो खड़े होकर लोगों को रिसीव कर रहे हैं, ये भी दांधली है। SOP अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो आप धौंस और धांधली का मुजाहरा कर रहे हैं। बात ये है कि या तो इस चीज़ का वो तो प्रूफ दे, खाली हारने के बाद इल्ज़ाम लगाना या इल्ज़ाम तराशी करना, तो ये एक आम फहम सी बात है। ये मास्टरमाइंड है धांधली के, ये भी धांधली है कि आप SOPs पे अमल ना करें, हर इलेक्शन में धांधली करना, जली वोट कास्ट कराना, कौनटीन के अंदर हेराफेरी करना, मुखालफाना सोच मुखालफाना तरीके से जो है वो बोली जाती है कही जाती है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इलेक्शन का मैदान, धांधली की गूंज, कौन कर रहा है धांधली, सबूत लाओ। प्या फाउंडर अलायंस ने बिजनेसमैन फ्रेंड से सबूत मांग लिए, दोनों पार्टियों की जवाबी कार्रवाई, एक दूसरे पर खूब तनकीद, सुनिए। ये अब स्मॉल ट्रेडर्स जो है, ये मौजूदा जो दबका 34 साल से बैठा हुआ है कब्जा माफिया कार्टल माफिया, इनसे कल रिवेंज लेने जा रहा है। कल इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे तारीखी फतह होगी लाहौर बिजनेस फ्रंट के तमाम उम्मीदवारों को, और 9 से 16 तक हमारे तमाम उम्मीदवार इंशाल्लाह ताला भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे और उसके बाद ये बैरियर या गेट ये सब खत्म कर दिए जाएंगे। अगर है दांधली तो यार मुझे बताओ कहाँ पे है, किस जगह पे है। वैसे दांधली दांधली का निजाम लगा देना, नारे लगाना, उसको मैं नहीं समझता। दांधली है बताएं, फुल प्रूफ है, अल्हम्दुलिल्लाह फुल प्रूफ बनाए इसको, और कोई साबित कर दे किसी किस्म दांधली, तो भाई ये कोर्ट किस लिए है, सब के लिए जाओ फिर वहाँ पे। ये असल में ये आपको पता है कि इस तरह से चलता है, जब भी अपोजिशन पार्टी है वो इसी किस्म की बातें करती है, कोई सी मसला नहीं है। मैंने पहले भी बयान दिया था कि ये लोग धांधली का मुंबा है, ये समझते हैं कि हम ऑल इन ऑल हैं, जो चाहेंगे वो कर देंगे, इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं है। इन्होंने कोशिश करनी है, हमने इनको पकड़ना है और फिर दमादम मस्त कर देना है। अभी भी नीचे करके आया हूँ, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन, अंदर जाके औरत को समझा रहा था वोट कैसे डालने हैं, अभी तेरा क्या काम है। एक बंदा और आया है, उसके पास उसके भाई का कार्ड है, इन्होंने नीचे से उसको स्लिप निकाल के दे दिया, तो ये बात ठीक नहीं है। हम रूल्स एंड रेगुलेशन को SOPs को फॉलो नहीं करना चाह रहे तो ये रिगिंग के अंदर के ज़मरे में ये चीज़ आती है, धांधली के ज़मरे में ये चीज़ आती है। आज आप देखें कि इस प्रीमिसेस के अंदर कन्वेसिंग मना है और वो कन्वेसिंग कर रहे हैं, ये भी धांधली है। हम अपने जगह पे बैठे हुए हैं, अपने स्टॉल में बैठे हुए हैं, वो खड़े होकर लोगों को रिसीव कर रहे हैं, ये भी धांधली है। ये भी इसका मतलब है आप SOPs फॉलो नहीं कर रहे। SOPs अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो आप धौंस और धांधली का मुजाहरा कर रहे हैं, आप अपने आप को ये शो कर रहे हैं, अपने आप को ये बता रहे हैं कि आप बड़े ताकतवर हैं। ताकतवर ज़ात जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, रूल्स एंड रेगुलेशन इंसानों के लिए बनाए जाते हैं, जानवरों के लिए नहीं बनाए जाते। तो इंसान उसको फॉलो करते हैं और जो जानवर होता है वो उसको रोन देता है पांव तले। बात ये है कि या तो उस चीज़ का वो कोई प्रूफ दे कि भी धांधली होती है, लेकिन अगर खाली हारने के बाद इल्ज़ाम लगाना या इल्ज़ाम तराशी करना, तो ये एक आम फहम सी बात है, ये इसमें कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है कि जी अगर कोई ये कह दे कि जी धांधली होगी तो किसी की ज़ुबान या किसी के अल्फाज को रोका नहीं जा सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि कंपटीशन होना चाहिए, अच्छी बात है,
लेकिन यहाँ तो सबूत दें, सबूत फराहम करें कि जी धांधली कहाँ पर हो रही है। यहाँ फोल्डर के तमाम लोग जो हैं कार्ड्स हाथ में लिए गेट के ऊपर खड़े हैं और हर आने वाले वोटर को कन्विंस कर रहे हैं ये खिलाफ वर्जी है टोटली SOPs की। ना किसी ने यहाँ पे मास्क लगाया हुआ है, ना ही जो SOPs तय हुए थे उसके ऊपर कोई बंदा अमल करने के लिए तैयार है। धांधली ये मास्टरमाइंड है धांधली के, ये भी धांधली है कि आप SOPs पे अमल ना करें और वोट कॉस्ट करने के पे भी जो जो इनका वतीरा रहा है माजी में हर इलेक्शन में धांधली करना, जली वोट कास्ट कराना, कॉन्टीन के अंदर हेराफेरी करना, तो बहुत बहुत ज़्यादा जो ना हमें इसमें है कि ये आप भी यही करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि हम जिस कदर भी इनको रोक सकें इनको रोकने की कोशिश करेंगे। ओपोनेंट जो है अगर ऐसी बात नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा। मुखालफाना सोच मुखालफाना तरीके से जो है वो बोली जाती है या कही जाती है, लेकिन ये आज तक एक सिर्फ एक बात है कि इल्ज़ाम तो हर कोई लगाता रहता है और हर किस्म के लगाते, वो इल्ज़ाम की जो है कोई सबूत के साथ जो है बरामदगी आज तक नहीं हुई। ये सिर्फ इल्ज़ाम की हद तक ये बातें होती हैं, वरना कोई कुछ नहीं है, इसमें हकीकत नहीं है। साफ और शफाफ इलेक्शन वक्त की ज़रूरत, वोट को इज्जत दो और काम से वोट लो के नारे नहीं हो सकते बेबुनियाद। ताजर छोटा या बड़ा, दोनों पैनल्स की किस्मत का फैसला वोट से वाजे होने के लिए तैयार। बहुत जल्द ताजर का वोट किस पैनल की जीत के सर का बनेगा ताज। सबको है भाई इलेक्शन के बाद जीत का इंतजार। कैमरामैन शाहिद इकबाल के साथ उबैद खान, लाहौर 24 न्यूज़, लाहौर।